नमस्कार, विद दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विदेश मंत्रालय ने कहा कुलभूषण जाधव के साथ पूरे भारत की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तान के आरोपों में सच्चाई नहीं। बसपा की याचिका पर ईवीएम छेड़छाड़ मामले में केंद्र सरकार निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। दिल्ली उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, राजौरी गार्डन सीट पर जब्त हुई जमानत। ईपीएफओ बोर्ड का फैसला, 20 साल तक पीएफ कटा तो 50,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में जमीन माफियाओं की खैर नहीं, योगी आदित्यनाथ ने बनाई टास्क फोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रमुख को कार्यमुक्त किया। अमेरिका की पहली महिला मुस्लिम जज शैला अब्दुल सलाम हडसन नदी में मृत मिली। गोवा हवाई अड्डे पर दो यात्रियों से 637 ग्राम सोना बरामद। रिलायंस जियो की एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के खिलाफ ट्राई में शिकायत, कहा कंपनियां ग्राहक रोके रखने के लिए अपना रही हैं अनुचित तरीके। योगी की तर्ज पर खट्टर लगाएंगे मंचलों पर लगाम, चलेगा ऑपरेशन दुर्गा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कसाई है असद, सीरिया का बर्बर नागरिक, युद्ध खत्म करने का वक्त। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 100वें गोल से रियल मैड्रिड की चैंपियन लीग में धमाकेदार जीत। विराट कोहली पूरी तरह फिट, मुंबई के खिलाफ शुक्रवार को खेलेंगे आईपीएल मैच। पहलवान साक्षी मलिक और जिमनाफ दीपा कर्माकर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। यूपी के बरेली में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।